नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं स्टडी आईटीआई स्किल्स। हमारे पिछले वीडियो में हमने यह चर्चा की थी कि वाहनों से निकलने वाले इमिशंस कितने प्रकार के होते हैं एवं वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन में कौन कौन सी गैसें एवं कौन कौन से पदार्थ उत्सर्जित होते हैं जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं एवं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप यह वीडियो जरूर देखिएगा। आधुनिक वाहनों में यह प्रयास किया जा रहा है कि वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को कम से कम किया जाए। इसके लिए वाहनों में विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग की जा रही हैं। वाहनों से निकलने वाले इमिशंस को कम करने के लिए जो विधियां प्रयोग की जा रही हैं, उनमें प्रमुख हैं एवोपरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम, क्रैंक केस इमिशन कंट्रोल सिस्टम या पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन, एयर फ्यूल रेशो कंट्रोल सिस्टम। कुछ विशेष डिवाइसेज या कंपोनेंट्स को यूज करके भी वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को कम किया जा रहा है, जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वॉल्व, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन वॉल्व, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर इत्यादि। इसके साथ ही इंजन के कंबशन चैम्बर की डिजाइन में सुधार करके, इंजन में विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशन करके एवं वाहनों में प्रयोग होने वाले फ्यूल में मॉडिफिकेशन करके भी वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को कम किया जा रहा है। इन सभी मेथड्स की स्टडी हम हमारे वीडियोस में एक एक करके करेंगे। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे एवोपरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम ईवीएपी एवं पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन पीसीवी की। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फ्यूल की एक मात्रा बिना जले ही वाष्पीकृत होकर सीधे वायुमंडल में मिल जाती है। यह वाष्पीकरण मुख्यतः फ्यूल टैंक से होता है। फ्यूल टैंक से फ्यूल वाष्पीकृत होकर वाष्प के रूप में सीधे ही वायुमंडल में पहुंच जाता है। फ्यूल की वाष्प को वायुमंडल में पहुंचने से रोकने के लिए एवोपरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम का प्रमुख कंपोनेंट होता है ईवीएपी कैनिस्टर। यह एक स्टोरेज टैंक होता है जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल भरा होता है। यह चारकोल स्पंज की तरह कार्य करता है जो कि फ्यूल की वाष्प को अवशोषित करके उसे स्टोर करता है। जब इंजन चल नहीं रहा होता है उस समय फ्यूल टैंक में बनने वाली ईंधन की वाष्प को वेंट लाइन के द्वारा इस ईवीएपी कनिस्टर में भेज दिया जाता है। इस ईवीएपी कनिस्टर में उपस्थित एक्टिवेटेड चारकोल फ्यूल की वाष्प को अवशोषित करके उसे स्टोर कर लेता है। यह वाष्प इस कनिस्टर में तब तक स्टोर रहती है जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होता। जब इंजन स्टार्ट होता है उस समय पीसीएम यानी पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल या ईसीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल के द्वारा इस कनिस्टर में लगा हुआ पर्ज वॉल्व खोल दिया जाता है। कनिस्टर पर्ज वॉल्व के खुलने पर फ्यूल की वाष्प इस वॉल्व के द्वारा इंजन के इंटेक मैनिफोल्ड में चली जाती है। इंटेक मैनिफोल्ड से यह वाष्प इंजन के कंबशन चैम्बर में पहुंचती है जहां पर उसका दहन होता है। ईवीएपी सिस्टम में प्रयोग होने वाले फ्यूल टैंक के ऊपरी हिस्से में कुछ अतिरिक्त जगह दी जाती है। इस जगह का लाभ यह होता है कि फ्यूल टैंक के गर्म होने पर जब फ्यूल की वाष्प बनती है तो वाष्प को फैलने के लिए कुछ अतिरिक्त स्थान मिल जाता है। इस एक्स्ट्रा जगह को हम एक्सपांशन स्पेस कहते हैं। ईवीएपी सिस्टम में फ्यूल टैंक के ऊपरी हिस्से में एक लिक्विड वेपर सेपरेटर लगा होता है। इस लिक्विड वेपर सेपरेटर के कारण वेंट लाइन में फ्यूल टैंक से केवल फ्यूल की वाष्प ही प्रवेश कर पाती है एवं द्रव रूप में फ्यूल वेंट लाइन में प्रवेश नहीं कर पाता। इसका लाभ यह होता है कि कनिस्टर में केवल फ्यूल की वाष्प ही पहुंचती है जो कि एक्टिवेटेड चारकोल के द्वारा अवशोषित करके स्टोर कर ली जाती है। आइए अब बात करते हैं क्रैंक केस इमिशन कंट्रोल की। जब इंजन चल रहा होता है तब फ्यूल के दहन के दौरान कुछ बिना जला हुआ फ्यूल एवं फ्यूल के जलने से उत्पन्न गैसें पिस्टन रिंग एवं सिलेंडर की दीवार के बीच में से लीक होकर क्रैंक केस एवं सम्प में पहुंच जाती हैं। इस प्रकार से पिस्टन एवं सिलेंडर के बीच से गैसों का लीक होना ब्लो बाई कहलाता है। बिना जला हुआ फ्यूल एवं पानी संघनित होकर भी क्रैंक केस एवं सम्प में पहुंच जाते हैं। इंजन चलने के दौरान जब इंजन अपने अधिकतम तापमान पर होता है तब यह ईंधन एवं जल वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे क्रैंक केस के अंदर प्रेशर बढ़ता है। इस प्रेशर को कम करने के लिए इन गैसों को क्रैंक केस से बाहर निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है।
यदि यह बिना जला हुआ फ्यूल यानी हाइड्रोकार्बन सीधे वायुमंडल में पहुंचेगा तो वायु को भी प्रदूषित करेगा। इसलिए इस बिना जले हुए फ्यूल की वाष्प को क्रैंक केस से सीधे इंटेक मैनिफोल्ड में भेज दिया जाता है एवं इंटेक मैनिफोल्ड से यह वाष्प कंबशन चैम्बर में पहुंच जाती है। इस कार्य के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन या PCV कहते हैं। इस सिस्टम में एक वॉल्व का प्रयोग किया जाता है जिसे PCV वॉल्व कहते हैं। PCV वॉल्व इंजन के क्रैंक केस में लगा होता है जिसके द्वारा क्रैंक केस से जल वाष्प, ईंधन की वाष्प एवं एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकलकर इंटेक मैनिफोल्ड में पहुंचती हैं। इंटेक मैनिफोल्ड के द्वारा इन गैसों को वापस कंबशन चैम्बर में भेज दिया जाता है। यहां पर PCV वॉल्व का कार्य होता है इंटेक मैनिफोल्ड में पहुंचने वाली ईंधन की वाष्प एवं अन्य गैसों की मात्रा को नियंत्रित करना, क्योंकि यदि ईंधन की वाष्प एवं अन्य गैसें अधिक मात्रा में इनलेट मैनिफोल्ड में पहुंचेंगी तो यह एयर फ्यूल रेशो को परिवर्तित कर देंगी। इसलिए आइडल, कम लोड एवं कम स्पीड की स्थिति में PCV वॉल्व के द्वारा ईंधन वाष्प की कम मात्रा को इंटेक मैनिफोल्ड में भेजा जाता है एवं अधिक लोड एवं अधिक स्पीड की स्थिति में PCV वॉल्व के द्वारा ईंधन वाष्प की अधिक मात्रा को इनलेट मैनिफोल्ड में पहुंचाया जाता है। डीजल इंजनों में इस प्रकार के एक और वॉल्व का प्रयोग किया जा रहा है जिसे क्रैंक केस डिप्रेशन रेगुलेटर वॉल्व यानी CDR भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वॉल्व यानी EGR वॉल्व की स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। यहां पर जो वीडियोस की लिंक दी हुई है आप इन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें एवं बेल आइकन को दबाके नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।